and the hill, well, they dance with me. Oh, where did you go? What did I do? Where was I to go now? Oh, what do I do? The day's too long. I just wanted to say hello. Now, what is Zero Village and why have I come here? So, Zero is a very small village in the state of Arunachal Pradesh, and लोग यहाँ दो reasons के वजह से आते हैं. एक तो अपातामी ट्राइब वाले लोगों से मिलने और दूसरा जीरो म्यूजिक फेस्टिवल के लिए. अब ये जो जीरो म्यूजिक फेस्टिवल है ना, ये हर साल 4 दिनों के लिए होता है, सितंबर एंड अक्टूबर में. 2019 में आखिरी बार हुआ था, फिर कोविड था तो नहीं, और अब 2022 में हो रहा है. और इसमें चारों दिन पूरी इंडिया से अलग अलग इंडी म्यूजिशियन आते हैं. और इस बार जो म्यूजिशियन आए हैं उनमें से मैं 2-3 को ही जानता हूँ, लाइक 2-3 के ही मैंने गाने सुने हैं. भाई देखना ये है कि मुझे यहाँ पे मजा आएगा या नहीं, बिकॉज यहाँ पे जो म्यूजिशियन आ रहे हैं मैंने आधे से ज्यादा के गाने सुने ही नहीं है. मैंने ऑलमोस्ट किसी के गाने नहीं सुने. उनकी लैंग्वेजेस अलग है, कोई नेपाली में गाएगा, कोई नागामीज में गाएगा, कोई अरुणाचली में गाएगा, कोई किसी और भाषा में गाएगा. हिंदी इंग्लिश वाले भी हैं बट ये ज्यादा हैं. और अंदर की वाइब कैसी होगी, मतलब 9,500 का टिकट है भाई, वो वर्थ इट हो गया या नहीं? लोग बढ़िया होंगे या नहीं? क्राउड बढ़िया होगा या नहीं? अंदर खाना पीना बढ़िया होगा या नहीं? अंदर का माहौल सब कुछ बढ़िया होगा या नहीं? तो मुझे उस चीज़ की टेंशन है, बट ऐसे कोई टेंशन भी नहीं है. पर यार इतने पैसे खर्च हो गए, बढ़िया होना चाहिए ना, बढ़िया होना चाहिए. इतना सुना है जीरो म्यूजिक फेस्टिवल, जीरो म्यूजिक फेस्टिवल तो बढ़िया होना चाहिए ब्रो. Is this your first time in Zero? Yeah, yeah. We tried to get here since 2018. Yeah. हाँ, first time. सबका थर्ड टाइम. अब इतनी देर कैंप साइट पे चिल और आराम करके इट वॉज टाइम टू सी द मोस्ट अमेजिंग आउटडोर म्यूजिकल फेस्टिवल ऑफ इंडिया विद दिस अमेजिंग पीपल एंड सी इफ द हाइप इज एक्चुअली वर्थ इट और नॉट. टिकट ले लेते हैं टिकट काउंटर से, चलते हैं देखते हैं कौन बजा रहा है, कौन गा रहा है, कैसा भाई म्यूजिक फेस्टिवल. थैंक यू. मैं अब 4 दिन नहा के भी नहीं उतरेगा भाई. घंटा लोग रुकेंगे. Now as soon as you enter the festival, the one thing that blows away your mind is the venue. Left the big city for the simple country life. Found myself a woman that it took for me to be my wife. कौन बनेगा करोड़पति में आपका स्वागत है. धन्यवाद. कौन से परफॉर्मेंस के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है? लक्ष्मी बॉम्ब. मैं आई हूँ रवि शेरगिल के लिए. नो पर्टिकुलर म्यूजिशियन, आई मीन आई वाज लुकिंग फॉर टू रवि शेरगिल एंड मल्टीपल अदर, जुमे खान एंड अदर कवाली सिंगर्स. पीटर कैट, लक्ष्मी बॉम्ब. यार इजी वंडरलिंग्स के लिए तो आया ही था मैं. सी आई लव शांतनु पंडित. आई लाइक टू हैव दैट लकी अली. लकी अली है ही नहीं यहाँ पे. है आज है लकी अली. 2019 में था, इस बार नहीं है. अपडोंग मेक. पूरे जीरो में तो इजी वांडलिंग्स ब्रो, देयर इज नो ऑप्शन. पीटर कैट. बाबा सैगल. बाबा सैगल ब्रो. अबे फिस मत दे. बाबा सैगल ब्रो. बाबा सैगल. एंड गेस हु इज लुकिंग लाइक बाबा सैगल. अब जीरो म्यूजिक फेस्टिवल यूजुअली दोपहर 1 बजे से चालू होकर रात के 10 बजे तक होता था. आधे परफॉर्मेंसेस दिन में होते थे डे स्टेज पर और आधे परफॉर्मेंसेस रात को नाइट स्टेज पे होते थे. नाउ आई हैव बीन टू अ बंच ऑफ कॉन्सर्ट्स एंड फेस्टिवल्स, बट वन थिंग दैट सेट्स दिस वन अपार्ट फ्रॉम अदर्स इज द डे स्टेज. मतलब इन क्रेजी आर्टिस्ट को परफॉर्म करते देखना विद ब्यूटिफुल सनसेट्स एंड माउंटेन्स बिहाइंड देम इज जस्ट सो मेसमराइजिंग. अब अगर हम डे स्टेज की बात कर ही रहे हैं तो लेट मी शो यू कि मुझे कौन कौन से नए आर्टिस्ट पता चले जिन्होंने हमारे डे स्टेज पर परफॉर्म किया था और जो मेरा दिल जीत गए. Now when you're inside the festival, it's not just about the musical vibes, but other stuff as well. Like you can shop souvenirs for your loved ones from these local stores, and you can enjoy some amazing food from these food stalls at the food court. Ab wahan normal cheeze to bahut bik rahi thi, but mujhe kuch atrangi hi khana tha. नागालैंड में फ्रॉक खाया तो मुझे बहुत लोगों ने गाली दी थी, ब्रो व्हाट द फक आर यू डूइंग, आई डोंट गिव अ फक यू गाइस. पर ये थोड़ी डिश अलग है, वो काफी गूई सा लग रहा है, मुझे क्रिस्पी सा लग रहा है. क्रिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं? टिड्डा. अच्छा ये पका हुआ है. ओ चखना है तो. डू यू हैव अ पॉन्ग? आई ड्रिंक विद यू. गुड नाइट. गुड नाइट. खाना नहीं खाना प्लीज.
राजा मिर्चा. दिस इज राजा मिर्चा, हॉटेस्ट चिली इन इंडिया. चल रामू, ऐसा कुछ छेद नहीं खुला है शरीर का. 2 seconds later. Can you give me some water, please? छेद खुल गए. I don't wanna die either. Can you please give me some cold water, please? अब तुम्हें अपना खान पान का शौक तो दिखा दिया, बट तुम्हें अभी नाइट परफॉर्मेंसेस भी तो दिखानी है. नाउ आई नो आई सेड दैट डे स्टेज इज वन थिंग दैट सेट्स दिस फेस्टिवल अपार्ट, बट इसका मतलब ये नहीं कि नाइट स्टेज वाले आर्टिस्ट कोई कम थे. लेट मी शो यू सम ऑफ दोज आर्टिस्ट जो मेरे नाइट स्टेज पे फेवरेट थे. अब मैं वहाँ 4 दिन के लिए जीरो में गया था, तो मैं सिर्फ म्यूजिक फेस्टिवल देखने नहीं आया हूँ, मुझे और भी एक्टिविटीज और भी एक्सपीरियंसेस चाहिए थे वहाँ. नाउ चलो होपो, विच इज अ टूर एजेंसी इन नॉर्थ ईस्ट एंड जिनके कैंप साइट में मैं वहाँ रुका था, उन्होंने हमारे लिए एक मस्त फिशिंग टूर प्लान किया था इन द पैडी फील्ड्स ऑफ जीरो. और वो कोई नॉर्मल फिशिंग टूर नहीं था, थोड़ा हटके था, क्योंकि हम वहाँ एक फिशिंग रॉड से नहीं बल्कि अपने हाथों से मछलियाँ पकड़ने वाले थे, वो भी एक पैडी फील्ड्स में, जस्ट लाइक द लोकल स्टूअर. कितनी मछली पकड़ेगा? 4.5 मछलियां निकालनी है. कोई पॉन्ड नहीं है, कोई रिवर नहीं है, कोई लेक नहीं है, यही है. Yes, that's the way, baby. Oh, the boobs are looking good. इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की. मुश्किल है. कितना कहा है मैडम जी? खून पसीने वाली मेहनत देख रहे हो, सब कुर्बान कर दिया भाई. टी शर्ट भाड़ में आया, बट मछलियाँ इंपॉर्टेंट थी, एक्सपीरियंस लेना इंपॉर्टेंट था. अभी कुछ चाहता ना, बट मजा आया रो, मजा आ गया बहुत ही. पहले तो मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड था कि यार क्या है, आई नहीं रही मछली, आई नहीं रही क्या. फिर जब एक बार आई ना, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया. वो होता है ना, जब स्टार्टिंग में लड़के को लड़की नहीं मिलती, पहली लड़की जब मिलती है फिर आता है ना कॉन्फिडेंस कि अब तो मैं हूँ बॉय. सो जीरो विलेज का अब तक का एक्सपीरियंस तो मेरा एकदम बिंदास रहा है. मैंने तुम्हें अभी अपना फिशिंग टूर दिखाया और जीरो म्यूजिक फेस्टिवल का एक्सपीरियंस दिखाया, बट वो अभी मैंने एक्सपीरियंस तुम्हें बताया नहीं है कैसा रहा, बिकॉज अभी तक की जो सबसे धमाकेदार वहाँ चीज़ हुई है वो मैंने अभी तुम्हें दिखाई ही नहीं है. और मैं यहाँ अपतानी ट्राइब के लोगों से भी मिलना आया था, उनका कल्चर समझना आया था, वो भी मैंने अभी किया नहीं है. तो ये दोनों चीज़ें नेक्स्ट एपिसोड में होंगी. तब तक के लिए ट्रैवल मोर, मीट न्यू पीपल मोर, टॉक टू पीपल मोर, अपनी कहानियाँ सुनाओ, उनकी स्टोरी सुनाओ, हंसो मुस्कुराओ, खुश रहो, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो. I don't really